अरे सन्नी पाजी जल्दी ट्रैक्टर पे बैठो, जल्दी बैठो ट्रैक्टर पे। मेरे पिले महादेव पुरुष का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो ही गया, मैं ट्रैक्टर पे सबको दिखाने के लिए लिए जा रहा हूँ। चलो सलमान भाई बैठो। अरे शाहरुख भाई और अजय भाई भी आ गए। शाहरुख भाई अजय भाई जल्दी आओ, मेरी फिल्म महादेव पुरुष का ट्रेलर रिलीज हो गया, जल्दी आओ दिखाने ले चलता हूँ मैं आपको। अरे प्रभास तू भी अजीब बात करता है, मैंने तो तेरी फिल्म महादेव पुरुष का ट्रेलर देख लिया, मुझे कहीं जाने की क्या जरूरत है। गदर 2 की शूटिंग थोड़ी देर के लिए छोड़कर मैंने मोबाइल में तेरी फिल्म महादेव पुरुष का टीजर देख लिया। अब सनी पाजी एक बात बता दो, ट्रेलर है कैसा देखने में? अरे तेरी फिल्म का ट्रेलर कैसा है क्या बताऊं? हाँ टीजर से तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी कंफ्यूज हूँ, अच्छा बताऊं कि बुरा बताऊं? क्योंकि तुमने ट्रेलर को बड़ा ही चालाकी से काटा है, VFX का बहुत कम इस्तेमाल किया है, और जहां पर किया है वहां पर तुम्हारी पोल खुल गई, ये देखो। अरे सनी पाजी ये तो कार्टून है। अरे सैप ये कार्टून नहीं है, ये तुम्हारी फिल्म आदि पुरुष के ट्रेलर में था ये पक्षी। मैंने कहा नहीं तुम्हारी फिल्म का ट्रेलर कुछ जगह अच्छा लग रहा है तो कुछ जगह कार्टून है टीजर की तरह। लेकिन सनी पाजी एक बात बताओ, टीजर से तो अच्छा है हमारे फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर। आकृति तुम्हारी फिल्म आदि पुरुष का ट्रेलर टीजर से तो काफी सही है, लेकिन परफेक्ट नहीं कह सकते क्योंकि ट्रेलर को तुमने बहुत ही चालाकी से काटा है। सनी पाजी सही कह रहे हैं, अब तो सिर्फ फिल्म का ही इंतजार करना पड़ेगा। अरे सनी पाजी शाहरुख भाई अजय भाई जल्दी से बैठो ट्रैक्टर पे, यूट्यूब पे तो आपने ट्रेलर देख ही लिया, अब मैं आपको सिनेमा हॉल में 3D में ट्रेलर दिखाऊंगा, चलो ट्रैक्टर पे बैठो। अरे प्रभास मुझे खेतों पे जरा काम करने के लिए जाना है, तेरी मूवी आदि पुरुष का ट्रेलर देख तो लिया मैंने यूट्यूब पे, मुझे मीडियम लगा, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा बुरा। अब मैं ट्रैक्टर पे सिनेमा हॉल में नहीं जा सकता क्योंकि मुझे खेतों पे काम करने के लिए जाना है। अरे शाहरुख भाई आप भी अजीब बात करती हो, प्रभास अपनों को फ्री में ट्रैक्टर पे बैठा के सिनेमा हॉल में ट्रेलर दिखाने के लिए लिए जा रहा है, तो चलते हैं अभी आ जाएंगे, खेत पे क्या काम है आपको, चलो चलते हैं ट्रेलर 3D में सिनेमा हॉल में देखने के लिए। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट्स में बताओ आदि पुरुष का ट्रेलर आपको कैसा लगा। मोदी जी मैं आपसे कह रहा था जल्दी चलो जल्दी चलो, लेकिन आप मेरी सुनते ही नहीं हो, अब देखो स्कूल जाने के लिए देर हो गई, अब स्कूल टीचर की डांट लगेगी, बहुत डांटेंगे स्कूल टीचर हमें। साजी लालू जी एक बात बताओ, देर मेरी वजह से हुई है, देर इस राहुल की वजह से हुई है, राहुल इतनी देर में घर से निकल के आया, कम से कम 15-20 मिनट स्कूल बस इसके घर के बाहर खड़ी रही, ये निकल के ही नहीं आ रहा था। तो मोदी जी राहुल को छोड़ के इस बस को आगे बढ़वा देते, अब राहुल के चक्कर में सबको डांट पड़ेगी। क्यों राहुल तुमने देर क्यों कर दी? अरे लालू जी आज मेरी वजह से थोड़ी देर हो गई तो आपत मचा रहे हो, 3 दिन पहले तो आप बहुत देर लेट से आए थे, क्या बताऊं असल में मम्मी जी ने पराठे बनाने में बहुत देर कर दी, लंच बॉक्स में बहुत टाइम लग गया इसीलिए देर हो गई, लेकिन अब तेजी तेजी से भागो, जल्दी से जल्दी स्कूल में पहुंचो। अब राहुल जल्दी कर रहे हो, घर से बाहर लेट निकलते हो, अरे पराठे खाना जरूरी था, आजकल लंच बॉक्स नहीं लाते, मेरे साथ लंच शेयर कर लेते। मोदी जी एक तो ये बस काफी दूर छोड़ती है, बस से स्कूल की बहुत दूरी है, जल्दी जल्दी भागो, मेरे स्कूल टीचर तो राजनाथ सिंह जी हैं, वो बड़ा डांट लगाएंगे, जल्दी चलो। योगी जी आपने 3 का पहाड़ा याद कर लिया, जो राजनाथ सिंह जी ने 3 का पहाड़ा याद करने के लिए दिया था? अखिलेश पहाड़ा तो मुझे याद हुआ नहीं, ये तो बड़ा दिक्कत हो गई। लेकिन मोदी जी एक बात समझ में नहीं आती है, स्कूल टीचर भी इतनी जल्दी जल्दी पहाड़े याद कराते हैं, जाने कहाँ की आफत है इन्हें, अभी कुछ दिन पहले 2 का पहाड़ा याद किया था, अब 3 का पहाड़ा याद करवा रहे हैं, मुझे तो 3 का पहाड़ा याद हुआ नहीं। वैसे मोदी जी आप मुझसे 1 क्लास आगे हो, आपको 3 का पहाड़ा याद होगा, 3 का पहाड़ा सुनाना मैं याद कर लूं। चलते चलते योगी जी गणित में मेरा वैसे हाथ कमजोर है, अगर हिंदी में कोई चीज पूछना चाहती हो हिंदी में कुछ पूछ लो मुझसे, गणित के पहाड़े मुझे याद नहीं है। ऐसा प्रियंका को याद है, प्रियंका से पूछ लो, प्रियंका योगी जी को 3 का पहाड़ा बता दो। मोदी जी एक बात बताओ, स्कूल जाने के लिए वैसी देर हो गई, अपना लोगों को अपना लोग भाग लगा रहे हैं, और भागते भागते मैं कहां से 3 का पहाड़ा सुनाऊं, मुझे 3 का पहाड़ा याद नहीं है। बड़े अजीब लोगों, किसी को 3 का पहाड़ा याद ही नहीं है, लगता है आज राजनाथ सिंह जी से डांट पड़ेगी। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसीलिए राहुल योगी जी मुझे स्कूल का खाना पसंद नहीं है, अब देखो थोड़ी सी थाली में खिचड़ी देती थी वो मैंने खा ली, अभी मेरा आधा पेट भी नहीं भरा है, इससे तो मैं घर से लंच बॉक्स ले आया करूं,
तो ही बढ़िया है। योगी जी अमित शाह जी सर से कह दो कि थोड़ी सी खिचड़ी इधर को बढ़ा दे। देखो मोदी जी, एक बार में एक आदमी को एक थाली भर गई खिचड़ी मिलती है, किसी को भी दोबारा खिचड़ी नहीं मिलती है। अब तुम थाली में से जल्दी जल्दी खाकर खिचड़ी खत्म कर देते हो, तो इसमें हम क्या करें? और अगर तुम्हें खिचड़ी की जरूरत है, खिचड़ी लेना है, तो अपने स्कूल के टीचर अमित शाह सर जी को बुलाओ। मैं क्यों बुलाऊं? तुम्हें खिचड़ी की जरूरत है, तुम बुलाओ। मेरा तो इतनी ही खिचड़ी में काम हो गया, मेरा तो पेट भर गया। योगी जी, अगर तुम्हारा पेट भर गया तो तुम्हारी थाली में तो अभी बहुत सारी खिचड़ी है, ये खिचड़ी मेरी थाली में डाल दो। अरे मोदी जी, मैंने ये कहा मेरा पेट भर चुका, अभी थोड़ी खिचड़ी और खा लूं, फुल पेट भर जाएगा। ऐसा है मोदी जी, राहुल पे खिचड़ी देखो, बहुत खिचड़ी है, राहुल से खिचड़ी मांग लो। राहुल थोड़ी सी खिचड़ी देना, स्कूल की आज खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है, ऐसा लग रहा है खाता ही रहूं। और स्कूल में एक ही थाली भर के खिचड़ी मिलती है, दोबारा खिचड़ी देते भी नहीं है। देखो मोदी जी, आज मुझे वैसी ज्यादा भूख लगी है, मैं खुद सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी खिचड़ी इधर उधर से मुझे मिल जाए, ये पूरी की पूरी थाली भर के खिचड़ी खा जाऊंगा मैं, और अभी मुझे और खिचड़ी की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि मुझे ये भी मालूम है कि मुझे खिचड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन पीछे बहन प्रियंका बैठी हुई है, वो ज्यादा खिचड़ी नहीं खा पाती है, उससे खिचड़ी मैं ले लूंगा। राहुल भैया, मेरी खिचड़ी के बारे में मत सोचना, आज की स्कूल की खिचड़ी वाकई में बहुत अच्छी बनी हुई है। हालांकि मुझे भूख ज्यादा नहीं लगी है, लेकिन इतनी अच्छी खिचड़ी है, ऐसा लग रहा है खाते ही रहो। तो आज की खिचड़ी तो मैं तुम्हें नहीं देने वाली। लो राहुल, तुम्हें भी आज खिचड़ी नहीं मिलेगी, तुम सोच रहे थे प्रियंका से खिचड़ी ले लोगे, लेकिन आज की खिचड़ी इतनी अच्छी बनी हुई है, प्रियंका कह रही है सारी की सारी खिचड़ी वो अकेले ही खा जाएगी। कभी कभी स्कूल में खाना बहुत ही अच्छा बन जाता है, मजा आ जाता है खा के। अखिलेश, तुम्हारे पास स्कूल की खिचड़ी थोड़ी बहुत बची हुई है? मेरी तो थाली में से खिचड़ी खत्म हो गई, अगर हो थोड़ी खिचड़ी मुझे दे दो। मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो, मैं आपसे खिचड़ी मांगने वाला था, आज की खिचड़ी बहुत अच्छी है।